नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हिंदी के टॉप 50 क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके राजस्थान PTET एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी जरूर दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हिंदी का पहला क्वेश्चन आपका है, महानायक में कौन सा समास होता है? तो महानायक में कौन सा समास होगा? ऑप्शन डी, चार ऑप्शन है आपके, इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा तो आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। कर्मधारय, जिसका वचन द्वारा वर्णन न किया जा सके उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, चार ऑप्शन है, इसमें से हो जाएगा ऑप्शन बी, अनिर्वचनीय कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिर्वचनीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह वस्तु जिसके आर पार ना देखा जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ये होगा ऑप्शन ए, सॉरी, अरे यार हटा। तो गाइस देखिए, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, महानायक में कौन सा समास है? तो देखिए, चार ऑप्शन आपके हैं, इसमें से आपको बताना है। तो इसमें देखिए, ये आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय। महानायक में कर्मधारय समास है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जिसका वचन द्वारा वर्णन ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, चार ऑप्शन है, इसमें से हो जाएगा ऑप्शन बी, अनिर्वचनीय कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिर्वचनीय। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, वह वस्तु जिसके आर पार ना देखा जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगला है, शिकारी ने बाघ मारा, इस बाघ में किस कारक के परसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्म कारक का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है, मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? देखिए, प्रत्यय आपका पीछे वाला होता है, तो इसमें जो प्रत्यय होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आस प्रत्यय। मिठास, आस, आस निकल रहा है तो आपका हो जाएगा आस प्रत्यय। अगला है, जी नहीं भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो देखिए, जी नहीं भरना, किसी चीज़ की संतुष्टि ना मिलना, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, संतोष ना होना। इसका मतलब होता है संतोष ना होना, इसका मतलब क्या होगा? जी नहीं भरना। ओके गाइस, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना किस मुहावरे का सही अर्थ है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, आग में कूदना। आग में कूदने का मतलब क्या होता है? जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? चार ऑप्शन है, इसमें से आपको सबसे सही वाला वाक्य बताना है जो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते। ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। मुगल किस भाषा का शब्द है? तो मुगल हो जाएगा ऑप्शन बी, तुर्की भाषा का शब्द हो जाएगा। अगला, हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस रचना में हुआ? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, फारसी। नेक्स्ट है, परिवार किस संज्ञा का उदाहरण है? तो देखिए, समूह हो जाएगा आपका, समूह में रहता है परिवार, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है परिवार। अगला है, यशोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुल रावे मल हावे, जोई सोई कछु गावे, इन पंक्तियों में कौन सा रस हो जाएगा? देखिए, यहाँ पर माँ का बच्चे के प्रति प्यार का वर्णन किया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, वात्सल्य रस। निम्न में से कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध है? चार ऑप्शन है, इसमें से सही वाला बताना है।
ऑप्शन सी ज्योतिर्मय को आप ऐसे लिख सकते हैं ना कि ऑप्शन ए बी और डी की तरह। अगला है नयन का तद्भव शब्द क्या है। नयन का तद्भव शब्द हो जाएगा ऑप्शन डी नयन। पत्र का तद्भव शब्द क्या है। पत्र का तद्भव शब्द हो जाएगा ऑप्शन सी पत्ता। अंटी मारना का क्या अर्थ है, तो अंटी मारना का अर्थ होता है ऑप्शन सी कम तौलना। अंटी मारना का अर्थ होता है कम तौलना। निम्नलिखित में से कौन सी बिहारी भाषा की बोली नहीं है। तो देखिए भोजपुरी तो है, मैथिली भी है, मगही भी है, लेकिन छत्तीसगढ़ी ये बिहारी भाषा की बोली नहीं है। पावक का संधि विच्छेद क्या होगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। दो क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ जिनको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला अंधे के आगे रोना का क्या अर्थ होगा, तो अंधे के आगे रोना का अर्थ होगा ऑप्शन बी व्यर्थ का प्रयत्न। क्या होगा, व्यर्थ का प्रयत्न। अगला है झांसी की रानी उपन्यास के लेखक जो हैं वो कौन है। तो देखिए ये हो जाएगा ऑप्शन ए वृंदावन लाल वर्मा। कौन हो जाएंगे, वृंदावन लाल वर्मा। निम्न में से कौन सा पथिक का पर्यायवाची है, तो ये सभी हो जाएगा, मतलब मुसाफिर भी हो जाएगा, पंथी भी हो जाएगा और बटोही भी हो जाएगा। शिष्ट का विलोम शब्द क्या होगा, तो शिष्ट का विलोम शब्द होगा ऑप्शन सी आशिष्ट। क्या हो जाएगा, आशिष्ट। बच्चों को थपकी देकर सुलाने का गीत क्या कहलाता है, ऑप्शन बी लोरी कहलाता है। अगला है अनुकूल में कौन सा समास है। अनुकूल में समास हो जाएगा ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास। सत्पुरुष में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, तो देखिए इसमें प्रयुक्त हुआ है ऑप्शन डी सत उपसर्ग। उपसर्ग जो होता है वो आगे का वाला होता है, तो इसमें सत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। 3 वर्ष उपन्यास के लेखक जो हैं वो कौन है, ऑप्शन बी भगवती चरण वर्मा। कौन है, भगवती चरण वर्मा जी हैं। काली आंधी के रचयिता कौन है, तो काली आंधी के रचयिता हो जाएंगे ऑप्शन ए कमलेश्वर। कौन हो जाएंगे, कमलेश्वर। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, ऑप्शन सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन हो जाएंगे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। निम्नलिखित में से कौन सी समूहवाचक संज्ञा है, ऑप्शन डी ये सभी। पहला है झुंड, दूसरा है सोना सेना और तीसरा है सभा। ये तीनों क्या हो जाएंगे, समूहवाचक संज्ञा। सरस्वती का पर्यायवाची निम्न में से कौन नहीं है, ऑप्शन बी इंदिरा। बाकी के तीन हैं जैसे कि शारदा, भारती और बागेश्वरी, ये तीनों क्या हैं, सरस्वती के पर्यायवाची शब्द हैं। निम्न में कौन सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ऑप्शन डी हिमांशु। ये नहीं है, बाकी के तीन हैं जैसे कि खरांशु, तिमरारी और पतंग। अगला है कपटी का विपरीतार्थक शब्द क्या है, मतलब विलोम शब्द क्या होगा, तो ऑप्शन सी निष्कपट। क्या हो जाएगा, निष्कपट। उदात्त का विपरीतार्थक शब्द क्या है, तो ऑप्शन सी अनुदात्त। इनमें कई कौन सही सुमेलित नहीं है, तो आपको गलत वाला बताना है ऑप्शन ए। बाकी के तीन है जैसे कि विजय का होता है पराजय, मृदुल का होता है कठोर, विरह का होता है मिलन। पसीने से उत्पन्न के लिए एक शब्द जो है वो क्या होगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए स्वेदज होगा। क्या होगा, स्वेदज। अगला है जो पहरा देता है के लिए एक शब्द क्या होगा,
तो वो होगा ऑप्शन बी प्रहरी। जो पहरा देता है वो कहलाता है प्रहरी। युग का निर्माण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन बी वो होगा आपका युग निर्माता। क्या हो जाएगा? युग निर्माता। कहीं का नहीं रहना किस मुहावरे का सही अर्थ है? ऑप्शन बी घर का ना घाट का। घर का ना घाट का मतलब क्या होता है? कहीं का ना रहना। दो टूक बात कहना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए स्पष्ट कह देना। मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो मुंह की खाना सही अर्थ होगा मुहावरे का बुरी तरह हारना। नेक्स्ट है गर्दन उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो गर्दन उठाना मुहावरे का सही अर्थ होगा ऑप्शन ए प्रतिवाद करना। क्या होगा? प्रतिवाद करना। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? ऑप्शन बी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। और आज का लास्ट क्वेश्चन है किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है? तो देखिए पहला सेंटेंस जो है वह पढ़ रहा था इसमें भूतकाल में है, दूसरा सेंटेंस है उसने पढ़ाई की थी आया ना, इसलिए आपका यह भी क्या हो जाएगा भूतकाल में। और डी ऑप्शन में देखिए थी है ये भी आपका भूतकाल में हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन सी में है ये आपका प्रेजेंट टेंस में है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। तो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।